नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के रोहतास जिले से निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें कि जहां पे बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रामनवमी हिंसा के मामले में जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि इसकी जानकारी जो है, गिरफ्तारी की पुष्टि शाहबाद के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने दी है। डीआईजी ने कहा है कि जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात पुलिस पूर्व विधायक के लश्करीगंज आवास पर पहुंची और उन्हें अपने साथ गिरफ्तार कर ले गई। वहीं आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस के बाद जो हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उस मामले में बीजेपी के 3 नेता बीते दिन सरेंडर किए थे। और जिसके बाद एक बार फिर से अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम में हुए रामनवमी हिंसा मामले पे, जी आपको बता दें कि बीजेपी के ये नेता जो है बड़े कद्दावर नेता है, 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। माना जा रहा था कि इस बार भी टिकट की दावेदारी के लिए दावा जो है ठोकेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे बीजेपी के बड़े नेता जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी खुद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने दी है। वहीं आपको बता दें कि जवाहर प्रसाद सासाराम विधानसभा क्षेत्र के 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1990 में पहली बार विधायक बने थे। बीते चुनाव में सासाराम विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में चले जाने के कारण उन्हें चुनाव नहीं लड़ा था। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से उनकी एक बार फिर से सशक्त दावेदारी मानी जा रही थी। रामनवमी जुलूस के बाद सासाराम में हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में नामजद आरोपी पर आत्मसमर्पण के लिए दबिश भी जारी है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पे बीजेपी के बड़े नेता जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी खुद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि ये बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधायक हैं। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा फैलाई गई थी, जिसमें कई लोगों के नाम भी थे। बीते दिन कई बीजेपी के नेता जो है सरेंडर भी किए हैं, जिसमें इसी कड़ी में अब ये खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी के बड़े नेता का गिरफ्तारी हो चुका है। इसकी जानकारी खुद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने दी है। वहीं आपको बता दें कि सासाराम से जवाहर प्रसाद 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और इस बार भी चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी ठोकने वाले थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि सासाराम में हुए हिंसा मामले में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।